Assalamu alaikum as parents. Today we will talk about the third belief. Firstly, we have discussed belief in the oneness of Allah Almighty, Akida-e-Tawheed. Then we have discussed belief in the prophethood and the finality of prophethood, Akida-e-Rasoolat और Akida-e-Khatm-e-Nabuwwat. इनको हमने डिस्कस किया और तीसरा जो बिलीफ जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये अल्लाह ताला के फरिश्तों पर ईमान, फरिश्तों को अरबी में मलाइक कहते हैं। तो ये तीसरा बिलीफ है, इसको हम डिस्कस करेंगे आज। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ ज़्यादा इसके बारे में नहीं पूछा गया। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बिलीफ्स हैं वो तीन हैं, अकीदा-ए-तौहीद और अकीदा-ए-रसालत और तीसरा जो है अकीदा-ए-आखरत। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी पेपर्स में ज़्यादातर ये तीन बिलीफ पूछे जाते हैं। बहरहाल आज हम बिलीफ इन दी एंजल्स ऑफ अल्लाह अलमाइटी के ऊपर मुख्तसरन एक निगाह डालेंगे। तो इस जो कंसेप्ट है एंजल्स का वो कुरान से साबित है। सूरह तहरीम, ये कुरान पाक की 66 सूरह है और इसकी आयत नंबर 6 जो कहती है, ओ बिलीवर्स प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर फैमिलीज फ्राम ए फायर हुज फ्यूल इज पीपल एंड स्टोन्स ओवरसीन बाई फार्मिडेबल एंड सिवियर एंजल्स हु नेवर डिसओबे व्हाटएवर अल्लाह ऑर्डर्स, ऑलवेज डूइंग एज कमांडेड। ये एक आयत है। और अच्छा, इसमें जो चीज़ ज़ाहिर होती है वो ये ज़ाहिर होती है कि फरिश्ते जो हैं उनकी कोई अपनी फ्री विल नहीं होती। दे डू वट एवर अल्लाह कमांड्स दैम टू डू। अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हैं, उनकी खसलत में नहीं है कि वो अल्लाह के हुक्म से आगे पीछे हो जाएं। वो अल्लाह ताला के हुक्म के पाबंद हैं, उनकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती और उनकी अपनी कोई फ्री विल नहीं है। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं मुख्तसरन। जो एंजल्स हैं दे आर हेवनली बॉडीज, हेवनली बीइंग्स, स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं हु आर क्रिएटेड बाय अल्लाह अलमाइटी। और ये इंसान की तख्लीक से पहले तख्लीक किए गए थे। फरिश्ते जो हैं वो इंसान की तख्लीक से पहले तख्लीक किए गए हैं। ये भी हमें कुरान पाक से ही पता चलता है। ये बात मैंने कर ली, दे हैव नो फ्री विल वाइल ह्यूमन बीइंग्स हैव। इंसानों और फरिश्तों में फ़र्क ये है कि जो इंसान हैं उनके पास फ्री विल है, वो मर्ज़ी के पाबंद हैं, वो अपनी मर्ज़ियाँ भी करते हैं और उनके पास अल्लाह ताला ने चॉइस दी है। लेकिन जो फरिश्ते हैं वो अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, उनकी कोई फ्री विल नहीं है। फरिश्तों की जो एग्जैक्ट तादाद है वो मालूम नहीं है, वो तादाद अल्लाह को ही मालूम है। लेकिन इतना अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनकी तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा है। इनकी फिर फरिश्तों की कोई ख्वाहिश नहीं है, साफ ज़ाहिर फ्री विल नहीं है तो कोई ख्वाहिश नहीं है। उनको खुराक की ज़रूरत नहीं होती, खाने पीने की ज़रूरत नहीं होती, इनको सर्दी गर्मी का वो नहीं होता और ये शादी भी नहीं करते। तो इस तरह का इनका कंसेप्ट है, दे आर स्पिरिचुअल बीइंग्स। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट एंजल्स की बात करते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, ही वाज दी चीफ ऑफ ऑल दी एंजल्स हु डिलीवर्ड रेवलेशन। इनका काम था नबियों तक अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाना, पर्टिकुलरली अपॉन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये अल्लाह ताला की जो वही थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक लेके आते थे। ये तमाम फरिश्तों के सरदार फरिश्ते हैं। और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम जो हैं, ही इज़ दी एंजल ऑफ रेन, बारिशों की जिम्मेदारी इनकी है। इसराफील अलैहिस्सलाम, the angel who will blow the trumpet to announce the advent of resurrection। ये सूरे इसराफील आपने लफ्ज़ सुना होगा, एक बहुत बड़ा सूर वो बजाएंगे और उससे क़यामत का ऐलान होगा, क़यामत बर्पा हो जाएगी। और उसके बाद हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, ही इज़ द एंजल ऑफ डेथ, ये तमाम जो मखलूक है उसकी रूह कब्ज़ करने के ऊपर मामूर है। कराम अलकातिबीन, ये वो फरिश्ते हैं जो इंसान के साथ हर वक्त रहते हैं, नज़र नहीं आते, और ये इंसान के बहुत जो अच्छे और बुरे दोनों अमाल लिखते हैं। मुनकर नकीर, जो एक बंदा जब मर जाता है तो उसकी हिसाब किताब के लिए मुनकर नकीर फरिश्ते आएंगे। रिजवान अलैहिस्सलाम, ही इज़ इंचार्ज ऑफ पैराडाइज, और मालिक अलैहिस्सलाम इज़ इंचार्ज ऑफ हेल। अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं और ये दोनों फरिश्ते जो हैं वो जन्नत और दोज़ख की इंचार्ज हैं। अब हम कुछ कुरान पाक की आयात पढ़ेंगे जो फरिश्तों के बारे में हैं और जिनमें फरिश्तों का कंसेप्ट सामने आता है। ये जो सूरह बकरा की ये 4 से 5 आयतें हैं, ये 30 है, 31 है, 32, 33, 34, ये 5 आयत वो हैं सूरह बकरा की जो इंसान की तख्लीक से मुताल्लिक़ हैं। तो जब इंसान की तख्लीक के बारे में भी क्वेश्चन है, आप इन 5 आयतों को कोट कीजिएगा। ये 5 आयतें जो हैं रेलेवेंट हैं पर्पस ऑफ क्रिएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये टॉपिक है, इसके बारे में रेलेवेंट है। एंजल्स के बारे में आए, वहाँ भी रेलेवेंट है। डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, उसके बारे में भी ये आयत रेलेवेंट है। अब हम इनका मुताला करते हैं। एंड रिमेंबर व्हेन योर लॉर्ड सेड टू द एंजल्स, I am going to place a restaurant on earth. They asked Allah, will you place in it someone who will spread corruption there and shed blood while we glorify your praises and proclaim your holiness? Allah responded, I know what you don't know. तो फरिश्तों ने ये कहा था कि अल्लाह ताला, तू एक ऐसी मखलूक बनाने लगा है जो कि ज़मीन में फसाद फैलाएगी, खून बहाएगी। हम आपकी तस्बीह के लिए और आपकी तारीफ़ के लिए काफ़ी नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि जो मैं जानता हूँ वो आप नहीं जानते। ये तब की बात है जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा था कि मैं ज़मीन पे अपना एक नायब बना के भेजने लगा हूँ मखलूक को, इंसानों को। फिर सूरह बकरा आयत नंबर 31, अल्लाह ताला ने ही taught Adam the names of all things, then he presented them to the angels and said, tell me the names of these if what you say is true. अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखाए और उनको फरिश्तों के सामने पेश कर दिया और फरिश्तों से पूछा कि मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ अगर तुम सच्चे हो। तो फरिश्तों ने क्या जवाब दिया? सूरह बकरा आयत नंबर 32, दे रिप्लाइड ग्लोरी बी टू यू, पाक है तेरी ज़ात, वी हैव नो नॉलेज एक्सेप्ट व्हाट यू हैव टॉट अस, यू आर ट्रूली द ऑल नोइंग ऑल वाइज। फरिश्तों ने कह दिया कि हमें कुछ पता नहीं है सिवाय उसके कि जो आप हमें सिखा दें। आयत नंबर 33 सूरह बकरा, अल्लाह सेड, ओ आदम, इन्फॉर्म देम ऑफ देयर नेम्स, देन व्हेन आदम डिड, अल्लाह सेड, डिड आई नॉट टेल यू दैट आई नो द सीक्रेट्स ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ एंड आई नो व्हाट यू रिवील एंड व्हाट यू कंसील। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि इनको आप वो नाम बता दो, तो उन्होंने बता दिए। और फिर अल्लाह ताला ने ये कहा था कि क्या तुम्हें मैंने बताया नहीं था कि मैं तमाम आसमानों के और ज़मीन के राज जानता हूँ, और मैं वो जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। आयत नंबर 34 सूरह बकरा। और याद करो, एंड रिमेंबर व्हेन वी सेड टू द एंजल्स प्रोस्ट्रेट बिफोर आदम, सो दे ऑल डिड but not Iblis, who refused and acted arrogantly, becoming unfaithful. और याद करो उस वक्त को जब हमने फरिश्तों से कहा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुकें, तो सब ने सजदा किया लेकिन इबलीस ने नहीं किया, उसने इनकार किया और वो काफिरों में से हो गया। तो ये जो आयत है, स्पेशली ये आयत, ये इंसान की डिग्निटी के बारे में भी है कि इंसान को सजदा किया था फरिश्तों ने। तो ये आयत सूरह बकरा की 34 आप कोट कर सकते हैं। डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स में इंसान का इतना मकाम है तो उसके सामने अल्लाह ताला ने फरिश्तों को कहा था कि सजदा करें, झुकें। सूरह बकरा आयत नंबर 285 है। The messenger firmly believes in what has been revealed to him from his Lord, and so do the believers. They all believe in Allah, His angels, His books, and His messengers. जो भी मानने वाले हैं वो अल्लाह ताला पर ईमान ले आते हैं, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके नबियों पर। They proclaim we make no distinction between any of His messengers. And they say, we hear and obey, we seek your forgiveness, our Lord, and to you alone is the final return. अब हम बात करते हैं कि इस अकीदा का जो फरिश्तों के ऊपर इंसान का ईमान है, इसका इंसान की इंफरादी और इज्तमाई ज़िंदगी पर क्या असर है। पहली चीज़ जो हमें इस कंसेप्ट से पता चलती है वो ये है कि इंसानियत का मकाम बहुत बुलंद है, इतना बुलंद है कि अल्लाह ताला ने फरिश्तों के होते हुए भी इंसान को पैदा किया। और फरिश्तों ने जब आर्ग्यू किया तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। तो अल्लाह ताला ने ये स्टेटस रखा है इंसानों का, इतना बड़ा मकाम दिया है। डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये भी उसी से साबित है कि इंसान का जो मकाम है वो आप सूरह बकरा की 4 से 5 आयतों में देख सकते हैं कि जब अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक का इरादा फरमाया तो फरिश्तों ने उसके बारे में कहा था कि जब हम हैं तो आपको क्या ज़रूरत है मेरे मौला इन इंसानों को पैदा करने की, जबकि ये खून भी बहाएंगे, ज़मीन में फसाद भी फैलाएंगे। लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी इंसान को पैदा किया और कहा कि मैं वो इल्म रखता हूँ जो तुम नहीं रखते। और फिर ना सिर्फ पैदा कर दिया बल्कि फरिश्तों को कहा कि तुम इनको सजदा करो। तो इससे मकसद ये था कि डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग जाहिर होती है। तीसरी चीज़ ये है कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को इतना एग्जाल्टेड स्टेटस दिया है, इतना आला मकाम दिया है, तो इसके साथ साथ फिर जिम्मेदारी भी बहुत भारी आयद होती है। फिर इंसान की जिम्मेदारी ये भी है कि वो ज़मीन में फसाद ना फैलाए। जो इतराज़ उस टाइम फरिश्तों ने किया था, ये इंसान की जिम्मेदारी तो बनती है ना कि वो फिर वो बात ना करे कि ना ज़मीन में फसाद फैलाए, ना खून बहाए, ना नाजायज़ खून बहाए और ना ज़मीन में फितना फसाद फैलाए। नेक अमल करे, अल्लाह ताला की वहदानियत पे यकीन रखे, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सामने आता है। फिर से ये होता है कि अल्लाह ताला की तस्बीह और अल्लाह ताला की तारीफ़ के लिए फरिश्ते भी मौजूद हैं। तो अल्लाह ताला को हमारी तस्बीहात की ज़रूरत नहीं है, हमें ये हमारी ज़रूरत है कि हम अल्लाह ताला की तारीफ़ करें। और फिर इन आयात से जो कि फरिश्तों के कंसेप्ट के बारे में हैं, इंसानियत की तख्लीक का मकसद भी सामने आता है। इंसानियत की तख्लीक का मकसद ये है कि वो अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह की तस्बीह करें और दुनिया में रहते हुए नेक अमाल करें और दुनिया में रहते हुए अच्छे कामों का हुक्म दें और बुरे कामों से रोकें। सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, 5वीं चीज़ जो सामने आती है वो है सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी कि जब अल्लाह ताला ने इतना मकाम दिया तो उसकी फिर अकाउंटेबिलिटी भी होगी। फिर जो अच्छे अमल करेंगे उनका अकॉर्डिंगली हिसाब होगा और जो बुरे अमाल करेंगे उनका उसी हिसाब से उनको अजर दिया जाएगा। जज़ा सज़ा का जो कंसेप्ट है वो इस्लाम में है, तो ये इसका इम्पैक्ट आता है इंसानी ज़िंदगियों पर। और इससे इंसान जो है जिसका फरिश्तों पे ईमान है वो, एक तो ये बात है अल्लाह की वहदानियत पे भी ईमान की तरफ ये चीज़ लीड करती है कि अल्लाह ताला ने सबको पैदा किया, वही सब एक सिस्टम को चलाने वाला है। और ये थे कुछ इम्पैक्ट जो कि इंसान की इंफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी पे वाक़ होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।